दोस्तों आपने क्यूब चार्ज फास्ट चार्ज के बारे में सुना होगा, आज बात कर देंगे ये क्यूब चार्ज या फिर फास्ट चार्ज होता क्या है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्यूब चार्ज और फास्ट चार्ज होता क्या है तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों बात करते हैं ये क्यूब चार्ज होता क्या है। कई साल पहले सैमसंग कंपनी ने अपने स्मार्टफोन में पहली बार क्यूब चार्ज का ऑप्शन दिया था, तभी से ये क्यूब चार्ज टेक्नोलॉजी चलती आ रही है। बात करते हैं क्यूब चार्ज होता क्या है। क्यूब चार्ज का मतलब है आप अपने स्मार्टफोन को जल्दी चार्ज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका स्मार्टफोन जितना समय लेता है आप उससे भी कम समय में अपने स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर सकते हैं, ये होता है क्यूब चार्ज। बात करते हैं कि क्यूब चार्ज काम कैसे करता है। ये आपके जो स्मार्टफोन है उसमें आप बड़ा चार्जर कर देते हैं, यानी आपके स्मार्टफोन में लगता है 5 वोल्ट 1 एम्पीयर का। अगर आप उसकी जगह आपका स्मार्टफोन जो स्मार्टफोन की अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो अगर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, और बात बता दें कि फास्ट चार्जिंग उसी वक्त सपोर्ट करती है जब आपके स्मार्टफोन में अलग से फंक्शन दिया होता है फास्ट चार्जिंग का, तभी आपका स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा, वरना आप चाहे कितने बड़ा लगा ले चार्जर आपका फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करेगा। बता दें कि फास्ट चार्जिंग कैसे काम करती है। आपके स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर होता है वो जितने का आपका चार्जर है उसमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी वो आपके फोन को देता है, पहले आपने देखा होगा जैसे आप फोन को चार्ज में लगाते हैं पहले उसकी बैटरी स्पीड में चार्ज होती है, मगर जब वो लगभग हाफ हो जाती है उसके बाद वो धीरे धीरे चार्ज होती है। ऐसा क्यों होता है? मान लो आप कई दिनों से आपने खाना नहीं खाया, आप कहीं या फिर बहुत ज्यादा भूखे हैं, तो आप पहले खाएंगे खाना ज्यादा स्पीड में, मगर जैसे आपका पेट भरेगा आप खाना खाने की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। वैसे ही बैटरी में होता है, अगर बैटरी आपकी 0% है तो वो ज्यादा फास्ट चार्ज होती है, मगर जैसे जैसे वो चार्ज होती जाती है उसकी स्पीड वैसे ही स्लो हो जाती है चार्ज होने की। ये होते हैं इसमें चार्ज करने का। इसलिए जो आपका प्रोसेसर है वो जितनी वोल्ट है उसको उसी से आपसे डिवाइड करेगा, उसी हिसाब से उसकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाएगा। अगर आपकी जो बैटरी है स्टार्टिंग में ज्यादा स्पीड चार्ज हो रही है तो उसे उस वक्त ज्यादा वोल्ट देगा, जैसे जैसे बैटरी धीरे होती जाती है उसी के हिसाब से उसकी वोल्टेज कम करता जाएगा, इससे आपकी बैटरी क्यूब चार्ज होती जाती है। ये टेक्नोलॉजी आई थी क्वालकॉम कंपनी के प्रोसेसर में, जिसे क्वालकॉम ने नाम दिया था क्यूब चार्ज 1। अब बात करें क्यूब चार्ज टेक्नोलॉजी 3 आ चुकी है, इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ज्यादा जल्दी चार्ज कर सकते हैं, ये होती है क्यूब चार्जिंग। कई जने अब बात करते हैं कि कई लोगों का सोचना है कि अगर आप अपने स्मार्टफोन को क्यूब चार्ज करते हैं तो आपकी बैटरी डैमेज हो जाती है, मगर ऐसा नहीं होता। क्यूब चार्ज करने से बैटरी को भी कोई असर नहीं पड़ता। कई लोग ये भी सोचते हैं क्यूब चार्ज आपकी फोन में आपने बड़ा चार्जर लगाया तो आपका फोन ज्यादा जल्दी चार्ज होगा, मगर इसके लिए आपके स्मार्टफोन में फंक्शन होना चाहिए क्यूब चार्ज का। और साथ ही कई लोगों का ये भी मानना है कि अगर वे बड़े चार्जर से अपने स्मार्टफोन चार्ज करते हैं यानी उनका स्मार्टफोन क्यूब चार्जर में, पर अगर वे छोटे चार्जर से यानी कि पावर बैंक से या फिर किसी और डिवाइस से भी स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं तो उनकी बैटरी लाइफ खराब होती है, मगर ऐसा नहीं होता। बैटरी लाइफ कोई असर नहीं पड़ता, जैसे आप अपने स्मार्टफोन को फास्ट चार्जिंग करें और या फिर स्लो चार्जिंग, आपके स्मार्टफोन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है फास्ट चार्जिंग और क्यूब चार्जिंग। जो मैं आपको पता चल चुका है फास्ट चार्जिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।